लैंगिक कठोरता के लिए 13 उपचार, अलग अलग 13 मिक्स्ड उपचार कौन से उसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त तज्ञ महाराष्ट्र में पिछले 40 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इसमें मैं जब भी बात करने वाला हूँ आपको 13 गिन के दे रहा हूँ, इसमें मेडिसिन है और कुछ मेडिसिन के अलावा है। जैसा जैसा मैं बोलते जा रहा हूँ या आप वीडियो सुनते जा रहे हैं आप लिख लो, और जो मैं बोल रहा हूँ वो कौन सी दवाई में है, कौन सा ब्रांड नेम है, वो आप ढूंढ सकते हैं गूगल पे से और वो दवाई आप खरीद सकते हैं ताकि मेरी जरूरत आपको ना लगे। इसमें नंबर एक जिनसेंग। जिनसेंग बहुत पावरफुल कुछ लोगों के लिए होता है और जिनसेंग से कठोरता आने में बहुत आसान हो जाता है। जिनसेंग जो भी दवाई में, काफ़ी सारी टैबलेट्स कैप्सूल्स आती है कि जिसमें जिनसेंग है वो आप ले सकते हैं। नंबर दो हॉर्नी गोट वीड। हॉर्नी गोट वीड ये PDE5 इनहिबिटर है, आइक्यूरिन उसमें है और ये आपको टैबलेट कैप्सूल फॉर्म में मिलता है, तो ये भी आप ले सकते हैं हॉर्नी गोट वीड। नंबर तीन DHA DHA तो ये भी आपको मेडिसिन के रूप में मिलता है और इससे भी कठोरता आती है। नंबर चार सिट्रुलिन एंड अर्जिनिन। इसके बारे में मैंने वीडियो दिया हुआ है कि अर्जिनिन कौन से खाद्य पदार्थ में है, फलों में है और वह आप लेते हैं तो उससे बहुत फ़ायदा होता है। नंबर पाँच योहिम्बिन भी बहुत लोगों को फ़ायदेमंद रहता है। योहिम्बिन से ये टैबलेट कैप्सूल फॉर्म में मिलता है और योहिम्बिन आप लेते हैं तो इससे भी आपको आराम मिल सकता है, इरेक्शन अच्छा आ सकता है। नंबर छः विटामिन डी। अब विटामिन डी का क्या है कि विटामिन डी बहुत लोगों में कम रहता है और वो मालूम ही नहीं रहता है कि ऐसा कम है करके, और एकदम विटामिन डी लेते हैं लोग, जो भी डेफिशिएंसी वो पूरी करते हैं और उनको इरेक्शन आ जाता है। नंबर सात विटामिन B3। विटामिन B3 भी इरेक्शन में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है, तो आप विटामिन B3 लेते हैं तो ये सब विटामिन B कॉम्प्लेक्स की कैप्सूल मिलती है, टैबलेट्स मिलती है, उसमें सब विटामिन रहते हैं तो आप ले सकते हैं। नंबर आठ फोलिक एसिड भी कॉम्बिनेशन में आता है दवाई के, इसमें फोलिक एसिड का भी बहुत महत्व का रोल है। नंबर नौ रेगुलर एक्सरसाइज। 40 मिनट से लेके 1 घंटा आप रेगुलर एक्सरसाइज करो, बहुत फायदा हो जाएगा। एक्सरसाइज से एंडोर्फिन्स बहुत अच्छे सिक्रेट होते हैं, डोपामिन सिक्रेशन अच्छा होता है, आदमी तंदुरुस्त रहता है, रिएक्शन में बहुत फायदा होता है। नंबर 10 डाइट। हल्का फुल्का डाइट, कम शुगर वाला, कम ग्लूकोज वाला, कम फैट वाला, ज़्यादा प्रोटीन वाला डाइट आप लेते हैं और एक साथ बहुत ज़्यादा खाना न खाते हुए आप यदि उसको डिवाइड कर लेते तो अच्छा है। डाइट में यदि आप 16 घंटे का फास्ट करते हैं, 16 आवर्स ऑफ फास्ट, मतलब 24 घंटे में 16 घंटे खाना नहीं खाने का है और बाकी 8 घंटे में जो भी खाना है वो खाओ, आप एकदम फिट हो जाओगे। तो 16 and 8 आवर्स ऐसा फॉर्मूला है वो। नंबर 11 स्मोकिंग। टोबैको स्मोक करना और खाना जो भी है उससे क्या होता है कि एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, और एथेरोस्क्लेरोसिस जब होता है तो खून की नलियां जो है अंदर से अस्तर जो रहता है वो मोटा हो जाता है और खून पहुंचने में तकलीफ हो जाती है, स्मोकिंग बहुत खतरनाक है। 12 अल्कोहल शराब, तो इससे भी इरेक्शन प्रॉब्लम आता है। एक्चुअली बोला जाता है कि अल्कोहल इंक्रीजेस द डिज़ायर बट टेक्स अवे द परफॉर्मेंस, इच्छा बहुत होती है मगर परफॉर्मेंस नहीं होता है। और नंबर 13 स्ट्रेस कम करो। दोनों का स्ट्रेस कम करना और आपस में ओपन कम्युनिकेशन रखना, प्यार करना। आप ओपन कम्युनिकेशन रखते हैं, प्यार करते हैं, इंटीमेसी करते हैं, स्ट्रेस कम रखते हैं दिमाग में तो इरेक्शन में फायदा होता है। देखो कनेक्शन होना बहुत जरूरी है एक दूसरे का, पति पत्नी में कनेक्शन होना, और कनेक्शन यदि अच्छा है, इंटीमेसी है तो बहुत अच्छा हो जाता है। ऐसा बोला जाता है कि फॉरेन कंट्रीज में आई लव यू नहीं बोला तो औरत समझ लेती है कि आज ये आई लव यू नहीं बोल रहे इसका मतलब इनका प्यार खत्म हो गया और मेरा भी डिवोर्स का टाइम आ गया। हम मैं मजाक से बोलते रहता हूँ कि भाई आप अपने पत्नी का किस जो है वो मिस मत करो, वो यदि आप मिस करेंगे, वो किस यदि आप मिस करेंगे तो somebody else will kiss your miss and then you will miss the miss. I'll repeat, if you don't kiss your miss, somebody else will kiss your miss and then you will miss your miss. तो इससे अच्छा है कि अच्छा कनेक्शन रखो, स्ट्रेस कम रखो, इंटीमेसी, प्यार ये होना जरूरी है तो सेक्स अच्छा होने में कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। थैंक यू वेरी मच।